बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर दिल्ली में उनके समर्थक जो हैं और खासकर वो 11 विधायक जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं, सिंधिया के समर्थन में हंगामा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि प्रदेश का अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया जाए, मध्य प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया जाए। सिंधिया के समर्थक विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया है, अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने तो सरकार को समर्थन नहीं देंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस वक्त फूट साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर जो दिल्ली का आवास है वहां पर ये 11 विधायक जो है हंगामा कर रहे हैं। जैनेन्द्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। जैनेन्द्र, स्टूडियो से रुबेका बात कर रही हूँ आपसे, बताइए जैनेन्द्र, ये 11 विधायक क्या मांग कर रहे हैं और सीधा सीधा इसका लोकसभा से ताल्लुक फिर तो? जी हाँ, निश्चित तौर पर ये जो विधायक हैं और उनके साथ कुछ समर्थक भी हैं, वो मांग कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश का बनाया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के कमलनाथ, वो अब मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो खाली होगी और ऐसे में ज्योतिरादित्य के जो समर्थक हैं वो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अब गोलमद्दी कर रहे हैं और आलाकमान तक ये संदेश दिलवाना चाह रहे हैं कि कमलनाथ के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष दिया जाए। क्योंकि रुबिका, आपको याद होगा कि ज्योतिरादित्य का नाम मुख्यमंत्री की रेस में भी चल रहा था, लेकिन वहां पर आखिरकार कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, ज्योतिरादित्य चूक गए। ऐसे में अब उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए आवाजें उठ रही हैं और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब आलाकमान को, कांग्रेस आलाकमान को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आलाकमान बिठाता है या नहीं, ये सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री का सवाल खत्म हो चुका है। इसकी गणित को जरा समझाइए, इसलिए क्योंकि मुझे जितना याद है शायद 90 रैलियां की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और जानकार तो ये भी कह रहे थे पॉलिटिकल पंडित की 40% जो टिकट्स का बंटवारा है और नाम का चयन है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही किया था। तो कहीं ना कहीं सक्सेस की जो है या उस ताले की चाबी ज्योतिरादित्य के पास है, क्या आला कमान इस पर किसी तरह का सोच विचार कर सकती है या ये प्रेशर टैक्टिक्स है? देखिए, निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, उनके पिता भी काफी कद्दावर नेता थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था। लेकिन चूंकि आप राजनीति में समझते हैं कि कई गुट होते हैं, कई धड़े होते हैं आपके चाहने वाले, और कई ऐसे गुट होते हैं जो चाहते हैं कि कम से कम ये ना बने, कमलनाथ के साथ परिस्थितियां ऐसी थी क्योंकि जितना आंकड़ा बहुमत से सिर्फ एक सीट पीछे रही थी कांग्रेस, सपा और बसपा के विधायकों ने समर्थन दिया था, इसके अलावा कुछ निर्दलियों का समर्थन कमलनाथ के साथ था, दिग्विजय का समर्थन भी कमलनाथ को था। इस तमाम वजहों की वजह से कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, वरना सिंधिया पूरी तरीके से रेस में थे। जाहिर सी बात है वो कद्दावर नेता है, तमाम उन्होंने रैलियां की, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी सिंधिया की चली, हालांकि उसकी एक कमेटी होती है। ऐसे में अब जब प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली हो रहा है, सिंधिया के पक्ष में लॉबिंग हो रही है, पद की लड़ाई साफ तौर पर कांग्रेस में नजर आ रही। जैनिन, बहुत बहुत शुक्रिया। वहां छत्तीसगढ़ में भी देखिए नाम का ऐलान अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।